हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ब्रेंट टीजस का चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। क्लास 6 का ये चैप्टर है जिसका हम लोग ब्रेंट टीजस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट और बी पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए, जिसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर नए हैं चैनल में या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। हम लोग का क्वेश्चन है 2 नंबर से। 2 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन सब का वैल्यूज निकालना है। क्या वैल्यू निकालना है? ए नंबर में 33% ऑफ 9012, तो 33 होल 1/3% करना है 9012 का। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये 33 × 3 99 होगा, 99 + 1 100 होगा। 100/3% परसेंट का मतलब इंटू 1/100 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन, और यहाँ 9012 लिखा हुआ है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। 100 से 100 वन टाइम में कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो रहा है 9012, 3 × 3 = 9, 0 का 0 दे देंगे, 12 है, 2 डिजिट उतरेगा, इसलिए यहाँ पर एक 0 होगा, 3 × 4 = 12 होगा। 1 × 1 × 3004, और डेनोमिनेटर में भी 1 × 1 हो रहा है, यानी सिर्फ 1 है उसको नहीं लिखेंगे, तो 3004 दिस विल बी आर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। नाउ नंबर बी, 25% ऑफ 10% ऑफ 1 kg। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? 25% ऑफ, तो 25% मीन्स 25/100, ऑफ मीन्स इंटू साइन, 10% मीन्स 10/100, अगेन ऑफ मीन्स इंटू साइन। 1 kg को हम लोग ग्राम में लिखेंगे। क्यों ग्राम में लिखेंगे? क्योंकि वो फ्रैक्शन कैंसिल नहीं होगा, केजी कैंसिल नहीं होगा, इसलिए 100,000 से मल्टीप्लाई किया जाता है ग्राम को, यानी 1 × 1000 ग्राम हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 10 से 100 10 टाइम में कैंसिल हो गया, और 100 से 1000 10 टाइम में कैंसिल हो रहा है। फर्दर ये जो 10 बच रहा है और ये 10 दोनों 1-1 टाइम में कैंसिल हो जा रहा है 10 के टेबल से, तो क्या बच गया हम लोगों का? न्यूमरेटर में 25 × 1 × 1 25 हो गया, डेनोमिनेटर में 1 × 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, 1 ही आता है। तो यहाँ क्या हो गया हम लोग का? 25/1 ग्राम, दैट इज 25 ग्राम। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया फाइंड 12 होल 1/2% less than 16 hours। तो 12 होल 1/2% सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? 16 आवर्स में से। तो 16 आवर्स हम लोग पहले लिखेंगे, माइनस साइन देंगे, 12 होल 1/2% ऑफ 16 आवर्स होगा, क्योंकि 16 आवर्स का ही 12% सब्ट्रैक्ट हो रहा है 16 आवर्स में। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 16 आवर्स होगा माइनस 12 होल 1/2% का मतलब 2 × 12 24 + 1 = 25 परसेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इंटू 1/100, ऑफ है तो ऑफ के लिए क्या लिखेंगे? इंटू साइन 16 आवर्स है तो 16 आवर्स लिख देंगे। यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। 25 के टेबल में 4 times 100 आता है, 4 के टेबल में 4 times 16 होता है, और 2 के टेबल में 2 times 4 आता है, यानी कि यहाँ और टोटल क्या मिल गया हम लोगों को? ये 16 आवर्स है पहले से, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। इस टोटल में मिला है 1 × 1 × 2 / 1 × 1, दैट इज 2/1 2 हो गया। तो 16 आवर्स में 2 आवर्स हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर हो जाएगा हम लोगों का 14 आवर्स। ये हम लोग का आंसर हो गया किसका? क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है जॉन बाउट 100 eggs for ₹40। आउट ऑफ दिस 4 eggs फाउंड टू बी ब्रोकन एंड ही सोल्ड द रिमेनिंग eggs एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर डजन, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। क्या बोला जा रहा है कि जॉन जो है वो eggs खरीद के लाता है, कितने में eggs खरीद के लाता है? 40 rupees में। कितने eggs? 100 eggs, और उससे पता चलता है कि 4 eggs ब्रोकन है, टूटे हुए हैं। तो अब कितने eggs बच गए वो हम लोगों को निकाल लेना है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है अगर उन एग्स को, बचे हुए एग्स को अगर 7.50 पर डजन करके बेच देता है तो उसे गेन परसेंट या लॉस परसेंट कितना होगा। तो गेन परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए हम लोग को गेन या लॉस निकालना होगा, तो देखते हैं यहाँ पर गेन होगा कि लॉस होगा। तो सबसे पहले कितने एग्स उसके पास बच गए वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 100 eggs उसके पास था,
जिसमें से फोर एग्स टूट गए, तो कितने एग्स बचे उसके पास? उसके पास 96 एग्स बच गए। अब इन 96 एग्स को हम डजन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये सेल कर रहा है पर डजन करके। तो 96 एग्स में कितना डजन हो जाएगा? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों 12 से डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि वन डजन में 12 पीसेस होता है, तो इतना डजन एग्स हो जाएगा। 96 अपॉन 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 96 एट टाइम में, तो एट डजन आ रहा है हम लोगों का। एट डजन यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, यानी कि एट डजन एग्स को वो 40 रुपीज में परचेज कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस तो उतना ही होगा, कितना भी एग रहे वो उसका एग टूट जाए या फिर एग को फेंक दे, कुछ भी करे, उसको 40 रुपीज लगेगा ही कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा रुपीज 40। अब हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे, कितने का? 8 डजन एग्स बचा, 8 डजन एग्स को वो सेल करेगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ हाउ मेनी एग्स? 8 डजन एग्स विल बी इक्वल टू 8 × 7.50। ये रुपीज साइन के साथ होगा, यहाँ डेसिमल हटाएंगे, डेनोमिनेटर में 1 आएगा, 2 डिजिट है, 2 जीरोज यहाँ पर लिखेंगे। कैंसिल हो रहा है 10 से, ये 10 टाइम में 100 आया, 10 से ये 75 टाइम में आया, फिर से कैंसिल करेंगे, 5 से ये 2 टाइम में कैंसिल हो रहा है, 5 से ये 15 टाइम में कैंसिल हो रहा है, फिर से 2 से 8 कैंसिल हो रहा है आपका 4 टाइम में। यानी कि हम लोगों का इसको सॉल्व करने से वैल्यू आया 15 × 4 = 60 तो सिंपली यहाँ पर हम लोग का कॉस्ट प्राइस हो गया 40 रुपीस और सेलिंग प्राइस हो गया 60 रुपीस। तो ग्रेटर कौन है? ग्रेटर सेलिंग प्राइस है, यानी कि हम लोग को प्रॉफिट होगा या गेन होगा। तो गेन इज इक्वल टू SP - CP होता है। SP - CP कर देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? रुपीज 60 - रुपीज 40, इट विल बी इक्वल टू रुपीज 20। अब हम लोग गेन परसेंट फाइंड आउट करते हैं। गेन परसेंट का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये परसेंट साइन के साथ होगा। गेन है 20 का, इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस है 40 रुपीज़। 20 से कैंसिल हो गया 40 टू टाइम में, 2 से कैंसिल होगा 150 टाइम में, ये परसेंट साइन होगा, यानी 50% का गेन। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग।